शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के वॉर रुकवादी पापा विज्ञापन में अभिनेता प्याराली उर्फ राज नयानी बीजेपी नेता चित्रावाक पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। कल सुबह मुझे पता चला बीजेपी की नेता चित्रावाक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह दावा किया और मुझ पर लांछन लगाया कि मैं एक पॉर्न स्टार हूं, जो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि मैं एक मुंबई पर मध्यम वर्ग से चरित्र कलाकार हूं। उनके इस दावे की और मुझ पर यह लांछन की मैं घोर निंदा करता हूं और कड़ा विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि अगले दो दिन में चित्रावाक जी अपने शब्द वापस ले और मुझसे माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो मुझे ना चाहते हुए भी उन पर मनहानि का केस दाखिल करना होगा। आई फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट हर फॉर डैमेजिंग माई कैरेक्टर इमेज एंड पर्सनैलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक चरित्र कलाकार हूं, मैंने ढेर सारे शोज, वेब सीरीज, बॉलीवुड फिल्में और एड्स की है। कुछ दिन पहले शिवसेना श्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी के एक विज्ञापन में मैंने काम किया और जैसे ही चित्रावाक जी को इस बारे में पता चला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मेरे कुछ वेब सीरीज के फोटो प्रिंट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाकर यह दावा किया कि मैं एक पॉर्न स्टार हूं। चित्रावाक जी, आप एक पढ़ी लिखी महिला है एंड यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी एंड इट इज वेरी शॉकिंग कि आपने ऐसा किया। आपको अच्छी तरह से पता है कि हम चरित्र कलाकार कहानी के अनुसार किरदार निभाते हैं और ये सब करते आते हैं। भूतकाल में भी ऐसा हुआ, वर्तमान काल में भी ऐसे ही हो रहा है। कहानी के अनुसार हम किरदार निभाते हैं, हम एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, उनके इस लांछन से मैं और मेरा परिवार काफी डिस्टर्ब है। मैं ये स्टेटमेंट अपना इमोशन छुपा कर रहा हूं। मैं मुंबई से हूं, मुंबई में पैदा हुआ, मुंबई में ही पढ़ाई की और मुंबई में ही काम कर रहा हूं। मैं एक मध्यम वर्ग का चरित्र कलाकार हूं, मैं कोई पॉर्न स्टार नहीं हूं। पिछले 8 साल में मैंने अपने 3 परिवारजनों को खो दिया है, उनमें से 2 को कोरोना काल में खो दिया है। अभी हम सिर्फ 3 जन इस दुनिया में हैं। एक पिता होने के नाते अपने 2 बच्चों की मैं परवरिश कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है वो कोई पॉलिटिकल नेता अपने पॉलिटिकल सिचुएशन सिनारियो के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मुझ पर यह लांछन लगा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने शब्द वापस ले और मुझसे अपोलोजाइज करे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करता हूं इस इलेक्शन में या कोई भी पॉलिटिकल सिनारियो में। मैं एक भारतीय हूं, मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले और देश के सारे देशवासी मेरे लिए एक समान है।